बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने बोन्स होते हैं उन सबको कवर करके रखता है, उनके ऊपर जो होता है उसे हम मसल्स कहते हैं। मसल्स की वजह से क्या करते हैं, मसल्स जो है बोन को मदद करते हैं उसे मूव करने में। एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी में लगभग 600 मसल्स होते हैं। मसल्स के ऊपर स्किन होते हैं जो मसल्स को कवर करके रखता है। मसल और बोन्स मिला के काम करता है। हमारे बॉडी में जितने ब्रेन आते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बोन्स और मसल्स की वजह से हम कर पाते हैं। तो इन बोन्स और मसल्स को हमें क्या रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। तो हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें हेल्दी फूड खाना होता है, हमें हर रोज़ मिल्क पीना चाहिए जिससे हमारे बोन्स और मसल्स क्या रहेंगे, स्ट्रोंग रहेंगे, और हर दिन एक्सरसाइज भी करना चाहिए। स्ट्रोंग मसल्स की वजह से आप लोग जब खेलते हो तो क्या करते हैं, आप लोगों को दौड़ना भी पड़ता है, जंप भी आप लोगों को करना पड़ता है। तो जिनकी मसल स्ट्रोंग नहीं होते वो लोग जल्दी थकते हैं, और जो जिनकी स्ट्रोंग मसल होते हैं वो इतना जल्दी थकते नहीं है। उसके बाद है पोस्चर। पोस्चर किसे कहते हैं, जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं या हमारा बॉडी में कोई मूवमेंट होता है उस वक़्त कैसे रखा है अपने बॉडी को, उसे हम कहते हैं पोस्चर। अगर हम अपने बॉडी को करेक्ट पोस्चर में नहीं रखेंगे तो हमारे बोन्स और मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। गुड पोस्चर के लिए हमें क्या करना चाहिए, चाहे आप खड़े हो या आप लोग बैठे हुए हो या आप चल रहे हो, अपने बैक पार्ट को हमेशा क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है। करेक्ट पोस्चर में बैठने से क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, वो तो सारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स क्या करेंगे, अपने काम अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा जो क्या होता है, हमारे बॉडी हेल्दी रहते हैं। और तीसरी बात होते हैं, इसकी वजह से करेक्ट पोस्चर की वजह से हम स्मार्ट दिखते हैं। आपकी बुक पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है पेज नंबर 47 पे, तो आप लोगों को क्या करना है, उस पिक्चर्स को अच्छे से देखना है, फिर आप लोगों को देखना है कि कौन सा पोस्चर सही है। जो सही है उन पे टिक का निशान लगाना है, जो पोस्चर गलत है तो उन पे क्रॉस का निशान लगाना है। आप लोग अच्छे से भर के रखेंगे, जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे तो मैं सबके बुक चेक कर लूँगी। थैंक्स।